हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है हरा छोलिया और पनीर की सब्जी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हरा छोलिया और पनीर की रसेदार सब्जी बनाना। हरा छोलिया और पनीर बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम हरा छोलिया लिया है और 200 ग्राम हमने पनीर लिया है। दो टमाटर को हमने मिक्सी में पीस लिया है और दो हरी मिर्च डाल के इसको हमने ग्राइंड किया है और दो हमने प्याज लिए हैं, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक अदरक का टुकड़े को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। ये कुछ मसाले लिए हैं, ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। ये मैंने चौथाई चम्मच जीरा और एक मोटी इलायची और दो एक मैंने तेज पत्ता लिया है, इसके मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं। तो आइए बनाते हैं छोलिया और पनीर की सब्जी। ये मैंने कुक कर लिया है, मैं ऑयल डालूंगी। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये तेज पत्ता और ये मैं मोटी इलायची और साथ ही मैं ये जीरा डाल दूंगी इसमें। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं ये अदरक और लहसुन डाल दूंगी। और लहसुन हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी और इसे और ये हमारे प्याज भुनने लगे हैं, इसे हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक और भुनेंगे। प्याज हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। और साथ ही मैं ये मसाले डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और मसाले को अच्छे से पकने दूंगी मैं। मसाला हमारा भून चुका है और इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है, अब मैं इसमें ये छोलिया डाल दूंगी। और छोलिये को मैं 1 से 2 मिनट इसी प्रकार से भून लूंगी। ये हमारा छोलिया अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, अब मैं इसमें 2 मिसल लगवा लूंगी, उसके बाद मैं इसमें पनीर डालूंगी। ये हमारे कुकर में 2 विसल आ चुकी हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब विसल निकलने तक का हम इंतजार करेंगे। और ये हमारे कुकर की विसल निकल चुकी है, अब हम कुकर को खोल के देखेंगे। ये देखो हमारी सब्जी छोलिया कितने अच्छे से बना है। अब मैं इसके अंदर ये पनीर डाल दूंगी, ये मैंने बारीक बारीक टुकड़े में पनीर कट कर लिया था। और गैस को मैं ऑन कर देती हूँ फिर से और इसे मैं 1 से 2 मिनट इसी प्रकार से पकने दूंगी जिससे कि हमारे पनीर में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम मिर्ची को हिलाएंगे और साथ ही इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे हम और गैस को हम बंद कर देंगे। सब्जी को मैं एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारा छोलिया और पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।